उनके द्वारा पुनः आदिकाल करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिपक्ष में दोनों पक्षों को सुना गया है। न्यायालय अपना आदेश रखा है, कल आदेश पता चल जाएगा। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सन 2019 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली जयप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई रामपुर की MPML कोर्ट में चल रही है, जिस पर पिछली कई तारीखों से जयप्रदा अदालत नहीं पहुंची, जिसको लेकर अदालत ने NBW जारी कर दिया था। इस वारंट के खिलाफ जयप्रदा के वकील ने सेशन कोर्ट में अपील करते हुए वारंट रिकॉल करने की प्रार्थना की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। इस मामले में विस्तृत आदेश आने पर साफ होगा कि क्या जयप्रदा के वकीलों की गुहार पर अदालत ने क्या फैसला दिया है। फिलहाल इतना तो साफ है कि जयप्रदा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनको अदालत में हाजिर होना ही होगा। जयप्रदा के विरुद्ध थाना स्वार और थाना कैमरी 2 मई 2019 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले थे, उसमें ट्रायल चल रहा था। पिछली तिथियों में पत्रावली 313 में नियत थी। जयप्रदा माननीय विचार विशेष न्याय मजिस्ट्रेट MPML की कोर्ट में उपस्थित नहीं आ रही थी, जिस पर नाले के द्वारा NBW विभिन्न तिथियों पर जारी किया गया था। पिछली तिथि को 11 तारीख जो नियत थी 11 दिसंबर, उस पर जयप्रदा के अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट से आए थे असगर अली, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि NBW रिकाल किया जाए। माननीय न्यायालय ने उनके NBW रिकाल के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था और आज की तिथि नियत की गई थी और NBW पुनः जारी किया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जयप्रदा के अधिवक्ता के द्वारा सेशन न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया था। उनके रिवीजन को अपर जिला सत्र न्यायाधीश MPML कोर्ट रामपुर के द्वारा कल दिनांक को निरस्त कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जो अवर न्यायालय का आदेश है वो विधिपूर्ण है और अवर न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि यदि जयप्रदा न्यायालय में उपस्थित होती हैं तो विधि अनुसार कार्रवाई किया जाए, उनके प्रार्थना पत्र को सुना जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में आज जयप्रदा के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पुनः NBW रिकाल का दिया गया था, लेकिन जयप्रदा उपस्थित नहीं आई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन को मुझे भी सुना गया और उनके अधिवक्ता को भी सुना गया और न्यायालय ने सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली रख ली है। अब जो आदेश या तो अभी रात में पता चले अभी इस समय होगा या तो सुबह कल ही पता चल पाएगा कि क्या आदेश हुआ। कितने NBW जारी हो चुका तक जयप्रदा को? 2 पत्रावली हैं, दोनों में 4 बार हुए हैं। एक में 4 बार हुए हैं पिछली तिथियों में, एक में 1 बार हुआ था, उनकी निकाल हो गया था। रिवीजन खारिज क्या होता है? रिवीजन जो होता है क्या मतलब होता है? उनके जो प्रार्थना पत्र NBW रिकाल करने के लिए 11 तारीख को दिए थे, उनके रिकाल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए NBW न्यायालय ने जारी किया था। उस आदेश के विरुद्ध उन्होंने रिवीजन किया था कि रिवीजन अगर अलाउ होता तो NBW का जो आदेश था वो निरस्त हो जाता, लेकिन न्यायालय ने अपीली न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो अवर न्यायालय का 11 तारीख आदेश है NBW जारी करने का और आपका रिकाल प्रार्थना पत्र निरस्त करने का वो विधिपूर्ण है, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, आप न्यायालय में उपस्थित होइए अपना वो कार्रवाई कीजिए विधि अनुसार कार्रवाई, लेकिन आज भी उपस्थित नहीं आई थी। उनके द्वारा पुनः आदिकाल करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिपक्ष में दोनों पक्षों को सुना गया है, न्यायालय अपना आदेश रखा है, कल आदेश पता चल जाएगा। NBW कंटिन्यू रहेगा? अब आदेश आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तक तो NBW कंटिन्यू ही है।